नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम 2021 का पूरा स्केड्यूल बताऊंगा कि कौन से मैच कहां खेले जाएंगे। लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारतीय क्रिकेट टीम काफ़ी कम मैच खेल सकी, लेकिन अगले साल यानी 2021 में टीम इंडिया काफ़ी बिजी रहने वाली है। इस साल भारतीय टीम को नॉनस्टॉप क्रिकेट खेलना है। आइए जानते हैं कि 2021 में भारतीय टीम का स्केड्यूल के बारे में। तो दोस्तों जनवरी 2021 की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी चार मैचों की टेस्ट सीरीज के अंतिम दो टेस्ट मैच खेलने हैं, और इसके बाद 2021 में भारत को अपना पहला टेस्ट 7 जनवरी में सिडनी में खेलना है, जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच होगा। इसके बाद 15 जनवरी को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी। इन दो टेस्ट मैचों के साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फरवरी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ रही है। इंग्लैंड यहाँ 4 टेस्ट मैच, 5 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद अप्रैल और मई 2021 की बात करें तो रिपोर्ट की माने तो अप्रैल और मई में इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आयोजन हो सकता है। कोरोना महामारी के कारण भले ही आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली पहले ही साफ कर चुके हैं कि आईपीएल 2021 का आयोजन देश में ही होगा। इसके बाद जून जुलाई में आईपीएल के बाद टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना होगी। इस दौरे पर भारतीय टीम को 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। हालांकि अभी इन मैचों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बाद भारतीय टीम श्रीलंका में ही रुकेगी, क्योंकि श्रीलंका में ही 2021 एशिया कप खेला जाएगा। जुलाई में 2021 एशिया कप का आयोजन होगा, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेगी। इसके बाद अगस्त और सितंबर की बात करें तो अगस्त में भारत को पहले जिम्बाब्वे दौरा करना है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे में किस फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी। जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। इंग्लैंड में भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो अक्टूबर में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगी। 2021 T20 विश्व कप से पहले भारत अपने घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज खेलेगी। हालांकि अभी इसका फुल कार्यक्रम घोषित होना बाकी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद भारत को 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी भी करनी है। ये टूर्नामेंट नवंबर तक चलेगा। T20 विश्व कप के खत्म होने के बाद नवंबर में ही न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आएगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दिसंबर की बात करें तो साल के अंत में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगी। साउथ अफ्रीका में भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 ही मैचों की T20 सीरीज ही खेलनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।